शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अभय, अभी शांत हो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। बार बार ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? 10 साल, पिछले 10 साल का कैसे मुझे कुछ भी याद नहीं है? धुंधले चेहरे, धुंधली यादें, जिनका मतलब मुझे कभी भी समझ में नहीं आता है। अगर उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ तो उसे अपने आज में ढाल नहीं पाता हूँ मैं। अभय, इलाज तो चल रहा है ना? और फिर समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब रोशनी? मेरे अपने घर वाले मुझे गहरों की तरह देखते हैं, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। अपने ही घर में मैं अकेला पड़ गया हूँ। तुम बताओ, किसके आगे अपने मन की भड़ास निकालूं मैं? अपने मन को हल्का कैसे करूं मैं? अभय, मैं हूं ना, मुझसे कहो जो कुछ भी कहना, मैं तो आई हूं तुम्हारे लिए ना। रोशनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कोशिश करूंगी कि अभी के दिन में तुम्हारी जगह वापस बना सकूं। मैंने अपने दिल की बात कह दी रोशनी से। क्या? अब तो फिर उसने क्या कहा? कहा तो कुछ नहीं, पर लेकिन ना भी तो नहीं कहा। तू समझ नहीं इसका मतलब क्या है? अरे मतलब तो वही हुआ ना, हाँ वो बोल नहीं पाई और वहाँ से शर्मा के निकल गई। सत्यानाश। मम्मी, अब बस आपको रोशनी के घर मेरा रिश्ता लेकर जाना है, आज के आज। हाँ। अरे तुम पगला गए हो क्या? क्या बोल रहे हो तुम अबे? मम्मी, अब आप मेरा साथ दो या ना दो, इस घर की बहू रोशनी ही बनेगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोकी अभय को दीदी, इससे पहले कि रोशनी को वो इस घर की दूसरी बहू बना कर ले आए। अब आप लोग मेरा साथ दो या ना दो, मेरी शादी हो रही है और मैं जा रहा हूँ रोशनी से बात करने। लो बताओ, यहाँ लड़की ने ना हाँ बोला है ना बोला है, और ये जनाब सीधा रिश्ता लेकर चल दिए। ऐसे लड़कों को ना आजकल की भाषा में पता है क्या बोलते? चेप लड़का, चेप। बुआ जी, मैं चेप नहीं हूँ, मैं जानता हूँ रोशनी मुझे ना नहीं करेगी। भैया, मैं भी लड़की हूँ और ना मैं ना अच्छे से जानती हूँ, अगर कोई लड़का ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती करे ना तो मैं तो पक्का भाग जाऊंगा। और अगर कहीं रोशनी भाग गई तो आपको ना तो थोड़ा वक्त देना चाहिए। हाँ बेटा, और अगर तुम शादी के बारे में सोच रहे हो तो पूरे तौर तरीके से बात करनी होगी, अब कहीं उसके घर वाले बुरा मान गए तो। ठीक है, मैं कल के कल ही रोशनी से जवाब लूंगा। इससे पहले कि अभय रोशनी से बात करे, मुझे रोशनी का जवाब चाहिए होगा।
क्यों? रोशनी मेरी डॉक्टर है, पहले बात मैं करूंगा। डॉक्टर रोशनी, आप इतनी दूर से इतना थक के आई हैं, अब जूस पीजिए ना, ये लीजिए। हे भगवान, पता नहीं इन दिनों क्या होता जा रहा है मुझे। एक काम करते ना, आप कमरे में चलिए, आप मेरे कपड़े पहन लीजिए, आइए आइए। शुक्र है अपनी नैया डूबने से पहले श्रद्धा ने चप्पू पकड़ लिया। बस जैसे तैसे करके ये इसे समझा दे। तुम खुद ही देख लो तुम्हें जो पहनना है। ओके। पहन के भोला चेहरा, झूठ की चलती फिरती फैक्ट्री है ये श्रद्धा। माफ करना, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, जानबूझकर हमारे भी टांग अड़ाती है ये। मैं भी देखता हूँ कैसे रोकती है ये मुझे। सुनो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, क्या तुम मेरी डोरी बांध सकते हो? तुमने अभय को ना क्यों नहीं कहा रोशनी? अब वो मैं सोच रही थी कि मैं उससे आराम से बात करूंगी, अभी अभी वो ठीक हो रहा है ना, अगर मैंने अचानक से उसको मना कर दिया तो फिर वो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो कब तक तुम अभय को ऐसे ही लटकाते रहोगी? इस बात को जितना आगे खींचोगी, आगे जाके जब ये बात और ज्यादा बढ़ जाएगी तो अभय को और दुख होगा। तुम उसकी डॉक्टर हो और डॉक्टर अपने पेशेंट के बारे में तो सबसे ज्यादा जानते हैं ना। तुम आज के आज ही अभय को अपना जवाब दोगी और तुम उन्हें ना कहोगी। आज के बाद ये बात खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है श्रद्धा, मैं आज अभय को मना कर दूंगी। कीर्ति बेटा, हमने खीर बनाई है, चखके बताइए कैसी बनी है। हेलो। हाँ बस निकल ही रहे। क्या फिर से कांड? ये पक्का बब्बर शेर गैंग ने किया होगा। इन्हें जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना लोग हम पे ना पत्थर मारना शुरू कर देंगे। हम निकल रहे हैं, आप लोग भी पहुंचे। हाँ। अरे वरुण बेटा, ये आप ही चख के बताइए कैसी बनी है। अरे संभाल के गले में फंस जाएगा। कहा था ना हमने, ये लीजिए पानी पीजिए। संभाल, क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। पर हुआ क्या ये? तो किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।